कोई मेडोज हैं, कोई फेरी लैंड हैं जहाँ पे घास ही घास है, जहाँ पे दरख्त ही दरख्त हैं, वहां जाके आपने उसको रिलीज कर दिया, उससे क्या होगा? ट्रीज आर दी कार्बन सिंक्स, जो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं वो तीन तरह के, कौन कौन से? पहले ग्रीन ट्रीज जो सरसब्ज शादाब किस्म के जो दरख्त हैं जी जनाब अली, वो क्या है हमारे पास? कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज करते हैं। दूसरी चीज क्या है? ओशन, ओशनिक जो डंपिंग है कार्बन की, जो हमारा पानी है उसके अंदर जो है बहुत से कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, वो तमाम चीजें क्या है? मैंग्रोव्स, पाकिस्तान हैज द सेवंथ लार्जेस्ट मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, कच्चे का इलाका आपने सुना होगा, ठीक है। इंडस जो वो डेल्टास जो हैं, इंडस डेल्टास, ठीक है, बड़ा मशहूर डेल्टा है। रन ऑफ कच्छ, अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, गुजरात एंड सिंध की टेरिटरी के अंदर वो आता है। रन ऑफ कच्छ 1965 से जो है डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है? क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड्स फाइनेस्ट मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स में क्या होता है? कार्बन एब्जॉर्ब होती है। मैंग्रोव्स में क्या होता है? हजारों तरह की फिश की स्पीशीज जो है वहां पे, मतलब सबसे ज्यादा जो फर्टाइल ब्रीडिंग सीजन होता है वो कहाँ पे होता है? मैंग्रोव्स में। जितनी आपकी श्रिम्स हैं, ट्राउट है, तमाम चीजें कहाँ पे जाके ब्रीड करती हैं? इन द मैंग्रोव्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है? उसको ओशनिकली डंप करने की कोई। तीसरी चीज है जियोलॉजिक। जियोलॉजिक क्या है? जो आपके बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, जो पुरानी माइनिंग की आपकी साइट्स हैं, ये आपके पास है सॉल्ट रेंच। सॉल्ट रेंच क्या है? माइन हो गया, माइनिंग होने के बाद क्या निकला? नमक निकला। नमक को पता है उसमें अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। दमा के जो मरीज होते हैं इनको कहा, इनको इवन कि इनको भी खिलाते, जानवरों को भी खिलाते हैं, खुरले में पड़ा होता है नमक, वो तो खैर मिनरल की प्रोडक्शन के लिए, इनका मतलब मिनरल अच्छे रहे, उनके अंदर सॉल्ट जो कॉन्टेंट है वो अच्छा रहे। अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम, मैंने सुना है ऐसा, मतलब एक बुजुर्ग से कि भाई जो है अगर सांस का प्रॉब्लम हो तो अपने तकिए के नीचे या अपने बेड के नीचे आप नमक की डली जो है ना वो ला के रख लें, उसमें कैपेसिटी होती है कि कार्बन को अब्जॉर्ब करती है। इवन कि अगर आप कमरे में हैं और धुआं है कमरे में, आपने कोई वो लकड़ें जलाई हुई हैं उसके अंदर भी आप नमक रख दें तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जब उस नमक में गए या जहाँ पर कोई कोल की पुरानी